हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा हेयर, वेलकम टू द चैनल। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेब पेज के ऊपर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती हैं। आपने बहुत से वेब पेजेस के ऊपर लिस्ट देखे होगी। लिस्ट जरूरी नहीं है दोस्तों आपके कि सिर्फ टेक्स्ट की ही लिस्ट हो, लिस्ट आपकी इमेजेस की भी हो सकती है, लिंक्स की भी लिस्ट हो सकती है। तो लिस्ट का मतलब मल्टीपल थिंग्स। देखो दोस्तों, लिस्ट जो है बेसिकली आपकी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट आपकी वो होती है जिनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, यानी 1, 2, 3 या ABC या रोमन काउंटिंग में लिखा हो, ठीक है, तो वो होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट। और दूसरा अनऑर्डर लिस्ट आपकी वो होती है जिनके आगे बुलेट्स लगे होते हैं, सिंपली कोई ऑर्डर नहीं होता उनका, सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट होती है आपकी, उनके आगे सिर्फ बुलेट्स लगी होती हैं, चाहे स्क्वेयर बना होगा या व्हाटएवर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि किसी वेब पेज पे अगर हमको लगानी है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। VS कोड पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मेरा जो है VS कोड थोड़ा वाइट कलर का मैंने थीम यूज़ कर रखा है। अगर आपको भी चेंज करना हो तो फाइल में जाना है, प्रेफरेंस के अंदर जाना है और कलर थीम पे क्लिक करना है। देखो ये आपको ऊपर जो है लाइट वर्जन दिखा रहे हैं, जो ये वाइट वाला मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा आपको डार्क मोड दिख रहा है यहाँ पे, जो पहले ब्लैक वाला यूज़ कर रहे थे हम। तो हम सबसे पहले जो है नई फाइल लेते हैं। नई फाइल ली और मैंने इसका नाम रख दिया list.html लिया। हमको इसका काम नहीं है और इसका भी काम नहीं है, list.html। और एक्सक्लेमेशन मार्क लिया और सीधा टैब प्रेस किया हमने। हम पिछली वीडियो में हैं जो बात कर चुके हैं ये बॉयलर प्लेट क्या होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको UL टैग डिफाइन करना पड़ता है। UL के बाद टैब प्रेस किया और UL टैग आ गया हमारा। UL टैग के अंदर अब आपका UL टैग क्या है, अनऑर्डर लिस्ट जो होंगी उनका कंटेनर है आपका UL टैग, ठीक है। उसके बाद अब हमको लिस्ट बनानी है, तो मैंने li लिखा, यानी लिस्ट आइटम लिया। और मैंने सबसे पहले मान लो हम फ्रूट्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो मैंने लिखा मैंगो। एंड देन सेकंड लिस्ट आइटम है मेरा एप्पल। थर्ड लिस्ट आइटम है मेरा ऑरेंज, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, दोबारा से मैंने इसका फाइल का पाथ कॉपी किया, कॉपी पाथ, अपना ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट किया, एंटर किया। देखो आपकी अनऑर्डर लिस्ट जो है बन चुकी है, मैंगो एप्पल ऑरेंज आपकी अनऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। देखो बुलेट्स आपको दिखाई दे रही हैं आगे, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपको सिर्फ ये थोड़ा सा एक्सटर्नली है कि भाई आपको वो बुलेट्स की जगह आपको स्क्वायर या फिर सर्कल चाहिए, तो वो किस तरह करते हैं, आपको सिंपली UL टैग जो है ओपनिंग टैग, उसमें आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है स्टाइल नाम का, स्टाइल, और यहाँ पे लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप में आप 3-4 तरह के दे सकते हो बेसिकली, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे कि अभी जो बुलेट हो रहा है उसके लिए डिस्क है, DISC डिस्क, वो यूज़ होता है। और दूसरा अगर आपको सर्कल यूज़ करना है तो आप सर्कल यूज़ करो। वहाँ पे इफेक्ट देखो सीधा इसका, देखो आपको इस तरीके से सर्कल दिखाई दे रहे हैं, आपको बुलेट्स नहीं दिखाई दे रही हैं, सर्कल दिखाई दे रहे हैं। एक और है आपका स्क्वायर नाम का, स्क्वायर लिखा, सेव किया, रिलोड किया, स्क्वायर आ गया आपके, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपकी अनऑर्डर लिस्ट बनाई जाती है। और उसके बाद कि आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी, तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है OL, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। OL लिखा मैंने, OL वही बेसिक सी बात है कि भाई आपका लिस्ट का जो है कंटेनर होएगा OL टैग। और उसके बाद आपकी लिस्ट आइटम्स जो हैं वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। मान लो आपको फिर से यही मैंगो एप्पल ऑरेंज नाम की लिस्ट बनानी है, 3 लिस्ट आइटम चाहिए, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, li लिखा, li के बाद ये स्टार, और आपको जितने भी लिस्ट आइटम चाहिए, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल को 3 चाहिए, 3 लिखा, टैब प्रेस किया, तो आपको देखो 3 लिस्ट आइटम बने बनाए मिल गए। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैंगो लिखा, टैब दूसरी लिस्ट पे आ गया, एप्पल टैब तीसरी पे आ गया, ऑरेंज, ठीक है। सेव किया फाइल को, रीलोड किया, आपकी जो है ऑर्डर लिस्ट 1, 2, 3 आ गई, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट का जो ये ऑर्डर सीक्वेंस बनेगी वो आपको 1, 2, 3 से बनेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आपको मान लीजिए कि आपको कैपिटल में ABCD चाहिए, तो आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो आप टाइप में कैपिटल A, सेव किया, रिलोड किया, और कैपिटल ABC अब ऑर्डर आ रहा है। आप यहाँ पे स्मॉल A यूज़ करोगे तो देखो आपका स्मॉल ABCD आ जाएगी, और अगर आप यहाँ पे I लिखोगे तो रोमन काउंटिंग आपकी शुरू हो जाएगी, अगर यहाँ पे आप कैपिटल I लिखोगे तो बस
कैपिटल में रोमन काउंटिंग जो आपको दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी ऑर्डर लिस्ट बनाई जाती है। अब एक जो लास्ट चीज़ है कि आपकी लिस्ट के अंदर, मतलब कि आपकी नेस्टेड लिस्ट, आपने नाम सुना होगा शायद, कि एक लिस्ट के अंदर किसी आइटम का एक और लिस्ट उसके के अंदर। आपने नेविगेशन बार में देखा होगा कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज बने होते हैं, यानी कि एक लिस्ट होती है बड़ी सी, उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर मेन्यू आइटम के अंदर एक और लिस्ट होती है, ठीक है। तो वो किस तरीके से बनाते हैं, आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपली मान लीजिए मैं एक अनऑर्डर लिस्ट लेता हूँ, यूएल टैग लिया, अनऑर्डर लिस्ट का कंटेनर, मैंने लिस्ट आइटम लिए दो इस बार, एल आई चार टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो एक तो कॉफ़ी और यहाँ लिख देता हूँ टी, सेव किया और रन किया, कॉफ़ी और टी जो है मेरी लिस्ट बन चुकी है। अब मान लो मेरे को कॉफ़ी के अंदर दो और लिस्ट बनानी है, कि भाई मान लो कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एल आई टैग क्लोज होने से पहले यहाँ पे एक और बार यू एल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एल आई मुझे दो चाहिए कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी के लिए, तो मैंने यहाँ लिखा हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी, सेव किया, रिलोड किया। देखो जो कॉफ़ी लिस्ट आइटम था हमारा, उसका एक और सब आइटम बन चुका है हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी। बेसिकली हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम की एक और सब लिस्ट, इसी के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा एक एडवांस में एक और यूज़ होती है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, वो और देख लेते हैं एक बारी, लास्ट है ये बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट आपकी बनती है वो डी एल से बनती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डी एल यूज़ हो रहा है आपका। डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है बेसिकली, मान लो जैसे यहाँ पर आपका हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी जो है, यहाँ पे एक्चुअली मैं इसके ये इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि कॉफ़ी के दो टाइप हैं भाई, हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी, यहाँ पे कोई इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये बेसिकली बस हमने एक शॉर्टकट यूज़ किया कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना ली। ऐसे ये मतलब जो एक्चुअली में है इस तरीके से नहीं बनेगा, अगर हमको डिस्क्रिप्शन देना है किसी आइटम का, तो हमने क्या किया डी एल टैग यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना रहे हैं, तो हमने सबसे पहले लिया डी टी, डी टी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, आपके जो टर्म जिसको डिस्क्राइब कर, मान लो अभी कॉफ़ी को करना था, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉफ़ी, ठीक है। डी टी के अंदर लिखा है कॉफ़ी, और डी टी क्लोज होने के बाद हमको लिखना है डी डी, यानी कि हम अब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, कोल्ड कॉफ़ी और एक और हमको देना है, तो डी डी एक और लिया और यहाँ पे लिया हॉट कॉफ़ी, सेव किया, रीलोड किया। देखो ये जो हमारी लिस्ट बनी थी और ये जो लिस्ट बनी है, इन दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पे हमने एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाई है, यहाँ पे लेकिन हमने एक किसी पर्टिकुलर लिस्ट आइटम को हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी दोस्तों कि हम किसी वेब पेज के ऊपर लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों लिस्ट जरूरी नहीं है आपकी ये मैंगो एप्पल ऑरेंज या कोई भी टेक्स्ट हो, आपके ये लिंक्स भी हो सकते हैं जो नेविगेशन बार देखते हो, वो नेविगेशन बार बेसिकली होता क्या है, लिस्ट ऑफ सम लिंक्स, ठीक है, जैसे होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस, आप ये देखते होंगे ऊपर, तो ये जो है आपके लिंक्स होते हैं जो कि आपकी लिस्ट टैग में डाला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इमेजेस के गैलरी आप बनाओ, मान लो पोर्टफोलियो बना रहे हो कोई, तो वहाँ पे गैलरी बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हो आप कि यहाँ पे देखो, जैसे दोस्तों एक चीज़ करेंगे और उसी के साथ जो है एक और शॉर्टकट यहाँ पे सीखेंगे हम। मान लीजिए हमको जो है तीन इमेजेस चाहिए, तीन इमेजेस एज अ लिस्ट, मतलब वो तीन इमेजेस जो है एक एक लिस्ट है आइटम है हमारा, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे, देखो हमको जो है हमको लिस्ट आइटम चाहिए तीन, और तीनों के अंदर एक एक आई एम जी टैग चाहिए क्योंकि हमको इमेज लगानी है, ठीक है। तो हम इस तरह से ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे या एंगल ब्रैकेट कह लो, और टैब प्रेस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से होएगा। और सोर्स के अंदर प्लांट डॉट जे पी जी, टैब से मैं आ सकता हूँ इस पर, प्लांट डॉट जे पी जी, टैब 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 प्लांट डॉट जे पी जी, सेव किया और यहाँ पर रिलोड किया। तो देखो आपकी जो है तीन इमेजेस की लिस्ट बन गई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिस्ट को इमेजेस के लिए, लिंक्स के लिए, टेक्स्ट के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज पे लिस्ट बना सकते हो। ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं आगे जाके जो है वेब पेजेस क्रिएट करने में, नेविगेशन बार में, गैलरी बनाने में, तो ये बहुत यूज़ आती हैं। तो ठीक है दोस्तों,
इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।